أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मैंने जिस आयत की तिलावत की है वो आयत रमजान शरीफ के रोजों ही के मुतालिक है. इसी आयत से रमजान का रोजा फर्ज करार दिया गया है. मुंजमिला अरकान इस्लाम के रोजा भी है, जिसका नमाज है, हज है, ज़कात है, इसी तरीके से रोजा भी है. इसकी बड़ी अहमियत है. खास तौर से अल्लाह ताला ने इसके मुतालिक आयत नाज़िल फरमाई और इसके मुतालिक हर साल ही उलमा बयान करते रहते हैं, क्योंकि जो चीज जिस मौसम जिस महीने के लिए होती है उसका बयान बार बार होना ही चाहिए. अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस आयत के मुताबिक रोजा रखने की तौफीक अहमद फरमाए और जो इसका फायदा है, जो इसका मंशा मकसद है, उसको भी ख्याल में रखना चाहिए ताकि रोजे के जो मकासिद हैं वो उससे पूरे हों. चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज किया गया है. ऐ ईमान, अल्लाह ताला ईमान वालों को खिताब फरमा रहे हैं, क्योंकि ईमान वाले अल्लाह ताला के मुहिब हैं और अल्लाह ताला के महबूब हैं. इस जगह पर अल्लाह ताला ईमान वालों ही को खिताब फरमा रहे हैं. या अय्युहन नास नहीं फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ये मशक्कत की चीज पेश आने वाली है, तो इसको जो मुखलिस होगा, जो मुहिब होगा, वही उसको कबूल कर सकता है. इस तरह पर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जो मोमिन हैं, मुखलिस हैं, अल्लाह ताला के आशिक हैं, उन्हों को खिताब फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू, तुमने ईमान लाए हो. इस तरह पर हम इसी बात का तुमको हुक्म दे रहे हैं कि जरूर उसकी इक्तदा करना, उस पर अमल करना, ताकि उसके फूलों के बरकत से तुम लोग माला मारो. राजा फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज किया गया है. किया गया इसलिए फरमाया, ये नहीं कहा कि मैंने फर्ज किया, क्योंकि एक मुशक्कत की चीज अपने बंदों पर, अपने मुहिबीन पर, अपने आशिकीन पर डालना चाहते थे. इदरा पर ये नहीं कहा कि कतब तो मैंने इसको फर्ज किया, नहीं कहा. फरमाया फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजा फर्ज किया गया. किसने फर्ज किया? इसको मौहूम कर दिया, इसको मख्फी कर दिया. इस जगह पर इसमें भी अल्लाह ताला की नहाय शफ़त नहायत का ये गया कि मुज़ाहरा है. एक तो खिताब किया मोमिनीन को, दूसरे ये फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, एक मुशक्कत की चीज मैं तुम पर लाना चाहता हूँ, लेकिन अपने को नहीं कहा मैंने फर्ज किया, मैंने नहीं लिया, ये नहीं फरमाया. इनमें बहुत बड़ा नुकता है. अल्लाह ताला हम सब लोगों को उसको समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला की शफकत और इनायत, उनका एहसान, उसको पेश नजर रखना चाहिए. अरे ईमान वालों, कहने ही से मोमिन को तैयार हो जाना चाहिए. जब अल्लाह ताला फरमाने अरे मोमिनो, तो तैयार होना चाहिए. जैसे कहा जाता है अरे मेरे बच्चों, ये इसलिए कहा जाता है हमारे शरीफ नाले बराबर अरे प्यारो कहते थे. अरे प्यारो क्यों? जब प्यारे हो तुम तो हमारी बात भी मानोगे. प्यारे कहने से ये हुआ कि मोहब्बत पैदा हो गई है कि हम इनके दुलारे प्यारे हैं. इमरान को प्यारों से ये कह रहे हैं, जब प्यारे हैं तो इनकी जो बात भी हमको माननी चाहिए. प्यारों का मतलब यही है, अरे मेरे बच्चों, अरे मेरे प्यारों, अरे मेरे दुलारो, ये सब इसी मफहूम में चीज अदा हुई है. या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है.
तुम्हारे पहले भी जो लोग हुए उन पर भी एक फर्ज किया गया था। यही कोई नई चीज नहीं है, बल्कि तुम्हारे पहले जो लोग थे इसमें भी तफसील मकसूद है कि कोई नई चीज नहीं है कि तुम पर हम बात डाल जाए, बल्कि पहले लोगों पर भी हमने फर्ज किया है। बहुत से अल्लाह के बंदों ने इसको कबूल किया है, इस पर अमल किया है। तो तुम लोग भी जो उम्मत मुहम्मदिया के हो और खास हमारे बंदे हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महबूब है उनके तुम महबूब हो, इस बराबर तुमको तो जरूर ही अमल करना चाहिए। कम आपको कबल हूँ तुम्हारे में तुम्हारे से पहले जो थे उन पर भी फर्ज किया गया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ। इसलिए अल्लाह ताला ने फर्ज किया रोजे को, ताकि तकवा तुम्हारे अंदर आ जाए। तकवा की इतनी अहमियत है, इतनी फजीलत है कि पूरे महीने के रोजे को ये फरमाया कि मुत्तकी बनाने के लिए हम लोगों का फर्ज किया गया, क्योंकि जन्नत में जाए ज्यादा दाखिल होंगे किस चीज से लोग कहते हैं तकवा ही से दाखिल होंगे। जहाँ से मैंने हदीस मुख्तसर इतना ही पढ़ी, बल्कि अब पढ़ रहा हूँ, सोएद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मायूस के जन्ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह जन्नत में किस चीज से लोग ज्यादा दाखिल होंगे, कौन सा अमल ऐसा होगा जिससे लोग जन्नत में ज्यादा से ज्यादा लोग दाखिल होंगे, उसके आप बतलाइए। तो फरमाया कि तक्वल्लाह व हुस्नुल खुल्क, अल्लाह का तकवा और हुस्नुल खुल्क, अल्लाह का तकवा होगा और फिर उसके साथ अखलाक होंगे, इससे जन्नत में ज्यादा लोग जाएंगे। तो ये आयत इसलिए आई है कि तकवे के लिए तुमको उभार दे, कि तकवा ऐसा अमल है, ऐसा वस्फ है, ऐसा दिल का अमल है कि इसके जरिए से जन्नत में तुम पहुंच जाओगे। इस बरा पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहला दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाते हैं वो भी गोया कि वही है, कुरान तो वही है ही है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं वो भी वही ही है। इस बरा पर हुजूर से कहलाया गया इस तरीके से, सोएद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किए गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मा युदखिल जन्नत, उसके बारे में, उस अमल के बारे में कि जिससे लोग कसरत से जन्नत में दाखिल करें। तो पहली चीज क्या फरमाई, हुस्न तकवा, अल्लाह का तकवा ऐसा है ये जन्नत में ले जाएगा। और दूसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हुस्नुल खुल्क, अखलाक अच्छे होंगे। अल्लामा इब्न कय्यिम बहुत बड़े शख्स हैं, फरमाते हैं कि तकवल्ला से अल्लाह का तकवा होगा तो अल्लाह के हुकूक बंदा अदा करेगा, और जब हुस्नुल खुल्क होगा तो लोगों के हुकूक अदा करेगा। ये बहुत जबरदस्त आयत का जोड़ है इस आयत का, हुस्नुल खुल्क और तकवल्ला। हमारे हज़रत माशा अल्लाह से फरमाते थे कि हुस्नुल खुल्क तो है ही है, असल तकवा ही है, अगर तकवा होगा तो हुस्नुल खुल्क भी होगा। ये हज़रत का एक नुक्ता था, ये कहते हैं कि तकवा अगर होगा तो हुस्नुल खुल्क खुद ब खुद आ जाएगा। कहते हैं अगर खुदा का खौफ होगा, डर होगा, तो किसी के साथ बद अखलाकी करेगा, उसको गाली गलौज करेगा, उनके साथ मामला बिगाड़ेगा, कभी नहीं करेगा। इस बना पर हजरत की एक अच्छी बात मुझे याद आती है, ऐसी बात है। तो अल्लाह ताला ने तकवे की अहमियत के लिए, तकवे के हुसूल के लिए अल्लाह ताला ने रोजे को फर्ज किया गया है, फर्ज किया है। इस बना पर इस रोजे के रखने का बहुत एहतमाम करना चाहिए और उसको किसी तरह बिगाड़ना नहीं चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीरत से रोजा टूट जाता है, नमीना से टूट जाता है। उसका मतलब यही है कि रोजे के जो फजाइल हैं, जो रोजे की बरकत हैं, इन आमाल की वजह से उन बरकत का भी मालूम हो जाता है। रोजा तो हो जाएगा, फर्ज उसका अदा हो जाएगा, ये भी है। रोजा तो फर्ज अदा हो जाएगा, मगर रोजे के जो फजूल हैं, जो बरकत हैं, उसमें कमी आ जाएगी। इस बिना पर रोजे के साथ साथ हमको वो बद अखलाकियां जो रोजे के अंदर नक्स पैदा कर दें, कमी पैदा कर दें, उनसे भी बचना चाहिए। इसी बिना पर हदीस में मैंने कहा आज सौम जुड़ना सुन जो है ढाल है, सुनने ढाल है, जुन्नत मतलब रोजा जो है, रोजा जब आएगा तो बहुत सी बुराइयों में ढाल बन जाएगा। इस बना पर यह सोचना चाहिए रोजा हमको इसे फर्ज किया गया है ताकि बुराइयों से हमारे ढाल बन जाए, रुकावट बन जाए। इस बना पर
रोजे का बहुत एहतमाम होना चाहिए, उसके अदायगी का एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह जिसको तौफीक दे आजार से, बीमारियों से उसको बचाए रखे, है तो जरूर उसको रोजा रखना चाहिए। सख्ती है, कुछ शिद्दत होती है, लेकिन अल्लाह ताला उसका अज्र सवाब भी इतना देंगे जिसका तस्वीर भी नहीं हो सकता। हदीसों में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस खुशी है कि हर चीज की जगह तो फरिश्ते देते हैं, इसकी जगह अना अजी भी मैं इसकी जगह देता हूँ, उनकी जगह पैसे देते हैं ये मतलब, और मैं इसकी अजी भी मैं इसकी जगह देता हूँ, और एक रवाज में उजा भी मैं इसकी जगह में हो जाता हूँ, ये अजर नहीं बल्कि मैं खुद मेरी जात जो है रोजे वालों की गोया के अजर है। अल्लाह ताला अच्छी तरीके से हुसन नियत के साथ, तकवे के साथ, एहतियात के साथ इसको अदा करने की तौफीक दे। मुख्तसर ही आपने कहा बयान किया, इंशाअल्लाह फिर बाद में इसके मुतलिक दूसरी चीजों मुतलिक बयान किया जाएगा, क्योंकि रोजे के बयान थे, इस बना पर रोजे ही मुतलिक बयान किया, जरूरी है रोज इसी पर बयान हो। अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो आप लोगों ने ख्वाहिश जाहिर किया उस पर मैं आमादा भी हो गया और कुछ बयान भी कर दिया, अल्लाह ताला मेरे लिए भी इसको मुफीद बनाए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे मुतालिकीन के लिए, आप सब हमारे महबूब हैं, मुहिब हैं, हम सबको अल्लाह ताला रोजे के इस महीने के बरकात से, कुरान पाक की बरकात से, कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए, दरूद शरीफ की कसरत होनी चाहिए, जिक्रुल्लाह का भी एहतमाम होना चाहिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बहुत कुछ हमको हासिल होगा। दुआ भी कीजिए अल्लाह ताला हम सब लोगों को रोजे के फजूल बरकात से मालामाल फरमाए और सही तरीके से इसको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका अरहमर राहिमीन बिहुरमति सय्यिदिना नबिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।